नमस्कार दोस्तों, ये कटर मशीन है जिससे प्लाई काटी जाती है। ये पट्टे जो है काट दिए गए हैं और जनरेटर लगा के काटा गया है। लाइट की सुविधा यहाँ कम है, आप देख सकते हैं। ये सब 9 इंची के बनाए गए हैं पट्टे। इस बॉक्स में 2 ड्रोर एक पल्ला बनाया जाएगा जिसका निशान सेम तरीके से ले लिया जाता है। और इस तरीके से फेविकोल लगाकर ठोक दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये दुकान बहुत बढ़िया बनाया जाएगा, सैलून डिजाइन बनाई गई है उसी तरीके से बनेगा। बॉक्स के पीछे ये 6 mm की प्लाई लगाई जाती है, आप 12 mm भी लगा सकते हैं, जिसे स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। पहले मशीन हैमर मशीन से होल कर ले, उसके बाद ये गुल्ली लगाकर ब्लैक स्क्रू उसमें टाइट कर दे। ये सारे बॉक्स जाम हो गए हैं। ये डिजाइन है, सरमाइका छिपाने के लिए हीटेक्स और फेविकोल का यूज किया गया है। जहाँ आप टेप नहीं मार सकते वहाँ हीटेक्स यूज कर सकते हैं। चारों किनारे हीटेक्स लगा लें और पलाई पर भी हीटेक्स लगाएं और बीच में फेविकोल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसे बहुत ही सफाई से रखना चाहिए और सरमाइका के बड़े वाले हिस्से को फाइल से साफ कर दें। उसके बाद रंदा मार दें ताकि क्लियरिटी बनी रहे और धार पर भी सरमाइका लगाया जा सके। और ये अब लगभग बनकर कंप्लीट है, बस केवल आईना, कांच का सेल्फ, इस वाले में अभी धार पट्टी लगानी है। रोर वाले पट्टे पर मिलाकर सरमाइका लगा ले। बिल्कुल इस तरीके से कांच को रोकने के लिए वही गुल्ली बटन टाइट कर लें। पहले होल किया जाता है बिल्कुल बारीक तरीके से, अंतर आने पर कांच नहीं बैठेगा। ये आईना लग चुका है,
और ये वाला आईना यहाँ इस वाल पे सेट होगा, सेम इस डिज़ाइन का बनेगा। आज का सेल्फ रखने के लिए टी स्टैंड का यूज होता है। बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कांच का सेल्फ लग गया है। ये दूसरे वाल का डिज़ाइन है जो कि अभी सैंपल रखा गया है, इसे इस पर सरमाइका रेड लगाया जा रहा है। ये लगभग तैयार हो गया है सामने की डिज़ाइन। ये पीछे की डिज़ाइन है जिसपे अभी सरमाइका लगेगा पीछे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।